बहुत ज़्यादा ठंड है, मैं बाहर उतरा था, मेरे से रुका नहीं गया बाहर। नीचे पत्थर गिर रहा है, थोड़ा रुक जाओ, गाड़ी निकालना है। सेकंड गियर पे भी गाड़ी जवाब दे दे रही है। मेकला सो चुकी है, सो चुकी है मेकला, रिस्पॉन्ड भी करती है साथ साथ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द जंस्कार लद्दाख ड्राइव 2024। हम लोग हैं पदुम में। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम लोग पदुम में रुके हुए थे दो दिन से, और अब हम फाइनली निकल रहे हैं टुवर्ड्स लेह। 10:30 बज रहे सुबह के, एंड विल बी ऑफ इन अनदर 10 मिनट्स मैक्स। बस लोड अप करना है, सारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा था वो सब उठाना है और कार में लोड करके निकलना है। सो द डिस्टेंस इज रफली 400 किलोमीटर्स, उससे थोड़ा कम है एक्चुअली, बट टाइम काफ़ी लगने वाला है बिकॉज इट्स ऑल ऑफ रोड। हमने पिछले बार जब बाइक में किया था तब बहुत सारा ऑफ रोड था। सो नेवरदलेस लेट मी क्विकली पैक अप एवरीथिंग एंड स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स लेह। सी यू गाइस ऑन द रोड। यहाँ से लेना है लेफ्ट, आ गए हम मेन रोड। नेक्स्ट 25 किलोमीटर्स तक अच्छे रोड्स मिलने वाले हैं। पता नहीं अब और आगे एक्सटेंड किया या नहीं किया, बट द फर्स्ट थिंग इज़ टू फ्यूल अप। तो फ्यूल स्टेशन पे नेक्स्ट स्टॉप लेंगे, फ्यूल अप करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। सो हम लोग चजार क्रॉस कर रहे हैं, इट्स अ स्मॉल हैमलेट अगेन, और कुछ ड्रोन शॉट्स मैंने लिए, होप यू गाइस हैव एंजॉयड दैट। प्रोसीडिंग अहेड टुवर्ड्स लिंगशेड, रोड्स आर ग्रेट सो फार। 15 ही किलोमीटर हुए सिर्फ पदुम से निकल के, नेवर्थलेस लेट्स कीप प्रोसीडिंग। 2023 के मुकाबले इस बार थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है अच्छे रोड्स, और एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आके शुरू होता है ऑफ रोड। यहाँ से लिंगशेड बच गया है 38 किलोमीटर्स, मोस्ट ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी लाइक दिस। ओके, सो कुछ कर नहीं सकते, आराम आराम से चलेंगे, टायर भी बचा के चलना है और पहुंचना भी है। सो या विल मेंटेन अ डिसेंट पेस थ्रू आउट। सो डिफिकल्ट वाले सेक्शंस स्टार्ट हो चुके हैं अब। रास्ता काफ़ी नैरो है, बिल्कुल ही अनपेव्ड है, एंड कभी कभी रॉक्स भी गिर रहे हैं साइड से, सो वो सब है। बाकी आगे से कोई व्हीकल आने से प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि जगह बहुत कम है, गैप बहुत कम है। नेवर्थलेस करना तो है ही, अब आ गए इस तरफ तो। बहुत ही नैरो स्पेसेस है। सुपर नैरो स्ट्रेच, सामने से एक छोटी गाड़ी आ रही है तो उतनी टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए, निकल जाएंगे।
देखिए यहाँ पे दो रिवर्स मिक्स हो रहे हैं, एक इसमें से जंस्कार है जो ब्राउन वाटर है, ये वाला जो है ये वाला जंस्कार रिवर है, उसका कुछ अजीब सा नाम देख रहा हूँ, ओमाचू का भी कुछ नाम है, श्योर नहीं हूँ क्या नाम है उसका। एनीवेज बढ़ते हैं आगे, ऐसे रास्ते हैं भाई साहब। डोंट बी गामा इन द लैंड ऑफ लामा। मैं ना उधर जाती हूँ। पीछे वाला फंस गया शायद। फोन लेके उसको हेल्प चाहिए होगा। ऊपर से पत्थर गिर रहा है, देखिए वहां से पत्थर गिर रहा है आगे से सर, नीचे पत्थर गिर रहा है, थोड़ा रुक जाओ, गाड़ी निकालना है, थोड़ा रुक जाओ भाई, ठीक है ना। निकला आ जाओ, मैं देखता हूँ उनको। पहली बार फंसी यार ऑल्टो, जान निकल गई। बसो बसो बसो, देखते ना जावे ना, रास्ता रुका हुआ है, रास्ता ब्लॉक्ड है। हाय सॉरित्र, हाय, नो प्रॉब्लम। लिंगचिट से आप सिंगिला पास होते हुए? सिंगिला सिसिरला लामा यूरू ले। 9 घंटे लगेंगे मेरे ख्याल से, इतना तो नहीं लगना चाहिए, 8 घंटे में हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता रहा तो 10-11 घंटे लग जाएंगे, बस टू लेट ना, बहुत पीछे छोड़ा है। कारगिल वाला ये था कि रूट वाज लाइक फाइन, कोई इशू नहीं, टाइम लगता 10 घंटे, आई थिंक इतने श्योर शॉट 10 घंटे में पहुंच गए होते, मतलब वो है 10 घंटे शायद कारगिल तक, उसके आगे ले और 12 घंटे लगते, ले तक 10:30, 10:30-11 में पहुंच जाएंगे ले तक। मैं इससे पहले भी गुजर चुका हूँ इस रूट से, हाँ 2023 अक्टूबर में आया था मैं लास्ट। अच्छा, तब भी ऐसा ही हाल था, कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा था। सामने आपको रास्ता दिख रहा होगा, बहुत नैरो है और बहुत ऊंचा है, आगे से कोई ट्रैफिक आए तो पता नहीं क्या करेंगे। देखिए कैसा है पहाड़, कितना ओ ओ ओ ओ नैरो, दिखाते दिखाते ठुक गई होती नीचे से, है ना गजब की जगह। किसी का तुम्हारा एक पिक्चर है ना? हाँ, यहीं पे खड़े होके एक फोटो है। कुछ ज्यादा ही रिस्की एरिया है, दूर दूर तक कोई नजर तो नहीं आ रहा है। ये कैब वालों का डेली रूट है, सो दे हैव टू कीप इट इन अ रनिंग कंडीशन।
भाई रास्ते एक लेवल का ट्रेचरस है, एक लेवल का, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं यहाँ से बाइक से भी गुजरा था तब भी यही लगा था, अब भी यही लग रहा है। द ओनली बेनिफिट आई सी ऑन अ बाइक इज कि आगे से कोई कार आए तो आराम से निकाल सकते हैं, इन केस ऑफ अ कार इट्स रादर डिफिकल्ट। उफ, बिल्कुल जीरो विजिबिलिटी वाले टर्न्स, एकदम ब्लाइंड कॉर्नर्स है, बस यहाँ कोई आ ना जाए सामने से। अब आ गए हम नीचे नदी के एल्टीट्यूड पे, लिंक शेड रह गया है 22, अभी बना 100 रुपये लगा लूँगा मैं। खूबसूरत सा जंस्कार रिवर जिसका कलर ब्राउन है वैसे, और रास्ते ट्रेचरस। अब हम अदर साइड ऑफ द पहाड़ों में आ चुके हैं, मतलब पहले पहाड़ राइट साइड में था, अब लेफ्ट साइड में है। रास्ते उतने ही ट्रेचरस है, थोड़ा सा ब्रॉड है उस तरफ से, ये वाला साइड थोड़ा ब्रॉड ज़्यादा है। छोटा सा वाटर क्रॉसिंग जितना अवॉइड कर सकते हैं, वहाँ पे खड्डा है, हमें जाना है टुवर्ड्स नेरक, यहाँ पे निराक लिखा हुआ है, जैसे भी उसका प्रोनाउंसिएशन, यहाँ बोर्ड लिखा हुआ है वे टू निराक। हम लोग जस्ट निराक से निकले हैं, चाय पी के रास्ता बन गया यहाँ पे, पिछले बार नहीं मिला था। इतना ऑफ रोडिंग के बाद थोड़ा रास्ता मिलते ही क्या खुशी मिलती है। सिटी वाले लोग बेचारे ऑफ रोडिंग करके नाचते हैं, यहाँ आओ छोटा सा ब्रिज भाई, यहाँ के नज़ारे और यहाँ के ऑफ रोडिंग मज़ेदार। हर जगह वाइल्ड रोज है, वैसे हम लोगों ने वाइल्ड रोज वाली टी पी इस बार, वाइल्ड रोज एंड मिंट, वैसे वाइल्ड रोज का ही सिर्फ फ्लेवर है, मिंट का तो नहीं आया। बट हाँ खुशी इस बात की है कि यहाँ का रास्ता बन चुका है। ये जो इंक्लाइन था भाई साहब, एक रेंज का इंक्लाइन था ये, और ऊपर से ऑफ रोड, और मैं बाइक पे था तो सिमिलरिटीज तो है, सेकंड गियर पे भी गाड़ी जवाब दे रही है। मुझे ये अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि मेरे 650cc के बाइक ने भी बहुत स्ट्रगल किया था इस रोड पे, मुझे अच्छे से याद है। बिल्कुल पावर की कमी महसूस करा देती है रास्ता। हाँ हाँ बिल्कुल। सो निरक के बाद का जो स्ट्रेच है उसका जो इंक्लिनेशन है ना, वो एकदम इम्पॉसिबल है। तो मैंने क्या करा है, फर्स्ट गियर के ऊपर गाड़ी खींच नहीं पा रही है, तो मैंने अपना हीटर ऑन कर दिया है थर्ड लेवल पे, क्योंकि हीटिंग कॉइल से इंजन हीट रेडिएट कर देता है, विच हेल्प्स द इंजन इन कूलिंग डाउन बेटर। टॉप पे चढ़ने के बाद मैं रोक के थोड़ा रेस्ट दूंगा इंजन को, बिकॉज आई एम एबल टू मॉनिटर द इंजन टेम्परेचर, इट्स प्रीटी हॉट। आपको लग रहा हो कि मैं इतना रेव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मोमेंटम इज इम्पोर्टेंट, यहाँ अगर रुक गई ना गाड़ी फिर पिक करना बहुत मुश्किल है। रुको ये गाड़ी को, तो हम लोग मोस्टली सिंगला पास चढ़ रहे हैं, एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ,
और रास्ते ऐसे ऑफ रोड सेक्शन हैं और ऊपर से चढ़ाई बहुत तेज है। उसमें टारमैक था उतना पता नहीं चला, यहाँ पे लूज स्टफ है ना इसलिए दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो खैर उतनी हुई नहीं है, बट ठीक है ओके। गाड़ी एक्चुअली थोड़ी टॉक स्टीयर भी कर रही है, राइट लेफ्ट जो हो रही है ना। ये स्नो हटाने वाली मशीन, मतलब यहाँ पे काफ़ी हैवी स्नोइंग होती होगी, यहीं पे बीआरओ ने छोड़ रखा है काम आता होगा क्लियर करने के लिए। बर्फ़ आप लोगों को दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ऐसा लग रहा है किसी ने सफ़ेद बालों में स्पाइक्स बना रखे हैं। स्नो जीप स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं स्नो के, ब्यूटीफुल व्यू। ये रही स्टुअर्ट लिटल, स्टिल द माउंटेन गोट, मस्त चढ़ गई यार, मानना पड़ेगा कैपेबिलिटी तो है ऑल्टो में चढ़ने की। थोड़ा सा बर्फ को टच करना तो बनता है भैया, ऐसे ये प्रॉपर आइस बन चुका है। बाहर पड़ रही है बर्फ, आपको वेदर खराब तो दिख ही रहा होगा, बहुत हल्की फुल्की पड़ रही है, जस्ट अ फ्यू स्नो फ्लेक्स। तो लो जी पहुंच गए सिरसिडला पास, द लास्ट पास ऑन आवर रूट। इसके बाद हम सीधा ले चले जाएंगे, उसके बीच में कोई हाई पासेस नहीं है फॉर्चुनेटली। यहाँ पे एक और टूरिस्ट व्हीकल रुकी हुई है, थोड़ा आगे लगा देता हूँ मैं गाड़ी को। ऑलराइटी, बाहर हल्की फुल्की स्नोइंग चल रही है, सिरसिडला पास, हाँ ब्यूटीफुल। आप लोगों को दिख रहा होगा स्नोइंग हो रही है बाहर, मौसम खराब है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं बाहर उतरा था, मेरे से रुका नहीं गया बाहर, बहुत तेज़ हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा स्नोइंग भी चल रहा है अभी। अच्छा तो लग रहा है गाड़ी का हीटर ऑन है, सो कार टेक्स केयर ऑफ अस। खैर मेकला सो चुकी है मेकला, रिस्पॉन्ड भी करती है सोते सोते। एनीवेज बढ़ते हैं आगे, एक्चुअली आई वाज लविंग दिस स्नोफॉल, बहुत अच्छा लग रहा था।
All right, we are 14 kilometers away from Vanla और हम फिर से आ गए हैं उसी पॉइंट पे जहाँ से कि राइट साइड में एक रास्ता कटता है, मोस्ट लाइकली ये चिलिंग का रास्ता है, और लेफ्ट साइड में ले वाला रास्ता है जो सीधा लामायुरु में जाके हमें जोड़ेगा। हमको लामायुरु साइड से जाना है तो हम वही वाला रास्ता लेने वाले हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। ओके, सो हम लोग बढ़ रहे हैं टूवर्ड्स ले। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप्स डिस्टेंस शुड बी 127। अभी ऐसे अच्छे रोज़ हाँ बस हो गया। सो अब से टारमैक रोड आ गया, किसी ने कितना मस्त बना रखा है ये। तो फाइनली हम लोग वानला पहुंच चुके हैं। वानला में काफ़ी सारे स्टे ऑप्शंस है अवेलेबल, और वानला में एक मोनास्ट्री भी है जो कि राइट साइड में ऊपर दिख रहा है थोड़ा सा, ये है मोनास्ट्री। ऑलराइट, ऑफिशियली दिस मार्क्स द एंड ऑफ ज़ंस्कार वैली। यहाँ ख़त्म होता है ज़ंस्कार वैली। यही है वो गेटवे ऑफ लांगरू, और सामने जा रहा है NH1 टुवर्ड्स ले, लेफ्ट जा रहा है श्रीनगर कारगिल होते हुए। सो कुछ ऐसा व्यू है। वन लास्ट टाइम, बहुत मज़ा आया फिर से, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। दिस टाइम ऑन द लॉर्ड ऑल्टो स्टोल टिटल, लास्ट टाइम किया था वी स्ट्रॉम 650 पे, इस बार स्टोल टिटल पे। सो ये है नेशनल हाईवे 1 NH1 विच कनेक्ट्स ले एंड श्रीनगर। बाय द वे दिस इज NH1, और कारगिल के टाइम पे इसी हाईवे को कैप्चर करने की कोशिश किया था पाकिस्तान ने, एंड दैट्स व्हाई दिस हाईवे होल्ड्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। इसलिए काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है, वेल मेंटेन्ड है, और काफ़ी सीनिक है श्रीनगर टू ले वाला हाईवे। लास्ट के 100 किलोमीटर्स बचे हुए हैं, दिस शुड बी डन इन अनदर 2 आवर्स। ऑलराइट, रुक गए हैं थोड़ा साइड में, कुछ खा पी लेते हैं बिफोर वी हैड टू ले, भूख लग रही थी। सो या लेट्स हैव समथिंग एंड देन प्रोसीड टुवर्ड्स ले। क्या बोला? हम लोग एंटर कर रहे हैं ले सिटी, ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। शुरुआत में एयरपोर्ट आएगा, राइट हैंड साइड में अभी तक आया नहीं है। निमो पीछे निकल चुका है, होटल हमारा बुक हो चुका है, मैं वही सेम जगह रुकने वाला हूँ, डॉक्टर मोरुक के होम स्टे में, गैंगशंग होम स्टे। सीधा वहीं का मैप लगा हुआ है, इट्स 20 मिनट्स फ्रॉम हियर। सो दैट्स द प्लान फॉर टुनाइट। ऑलराइट, सो फाइनली हम पहुँच गए हैं गैंगशंग होम स्टे इन ले में, यहाँ पहले भी रुक चुका हूँ, डिटेल्स हो गया डिस्क्रिप्शन में। विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड, and this is the end of the day for me as well. So thanks again for watching the video, tagging along the journey from Padum to Leh. I hope you liked the video. If you did, do give it a thumbs up, share it with your friends and family. If you are new to the channel, do consider subscribing, aur agar subscribe kar rakha hai fir chhota sa comment karke bataiye kaisa laga aapko ye video, koi suggestions ho to zarur dijiyega comment section mein. Thanks again, have a nice day, and stay tuned for the next episode. Till then, bye bye.